मेरा फेवरेट कार्टून सुपरमैन था। अगर आप 80s और 90s में पैदा हुए हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, तो आप लोगों का भी कोई ना कोई फेवरेट कार्टून होगा ज़रूर। वो हीमैन हो सकता है, सुपरमैन हो सकता है, स्पाइडरमैन हो सकता है। पर अगर आप लोगों को कॉमिक्स पढ़नी भी अच्छी लगती होगी, तो आप लोगों का वहाँ भी कोई ना कोई फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर ज़रूर होगा। वो परमाणु हो सकता है, सुपर कमांडो ध्रुव हो सकता है, तेनालीरामा हो सकता है, चाचा चौधरी या साबू या फिर कोई और। पर अगर आपने सन 2000 के बाद अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं, स्पेशली जो बच्चे अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, कॉमी 3 कॉमी 2 1 हैं, उन्हों वो सारे के सारे सन 2000 के बाद ही पैदा हुए हैं, तो उन लोगों के जो फेवरेट कार्टून है वो है नोबिता, शिनचैन, पॉपाई द सेलर या फिर डोरेमोन। अगर आपका भी इनमें से कोई भी फेवरेट कार्टून है तो प्लीज़ नीचे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैं कुछ समय, मैं 3 सेकंड का पॉज देता हूँ, आप लोग ज़रूर लिखिएगा आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। 1 2 3 उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने फेवरेट कार्टून का नाम नीचे मेंशन कर दिया होगा। अगर मैं बात करूँ कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग देखेंगे कि हम इन कार्टूनों को इतने सालों तक देखते हैं कि इनके अंदर की जो खूबियाँ होती हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। जैसे कि हम लोग नोबिता की तरह हम लोग चीज़ों को शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग शिनचैन की तरह बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, गलत गलत काम करते हैं। गलत काम से मतलब है कि किसी भी चीज़ के पीछे लोगों को इरिटेट करना, ये सारी चीज़ें करते हैं जो कि हमारी एक ज़िंदगी का पार्ट ही बन जाता है। पर वहीं अगर हम पुराने कार्टून देखेंगे, हम लोग चाचा चौधरी देखेंगे जिनका तेज़ दिमाग था, अगर हम लोग बांकेलाल देखेंगे बहुत ही तेज़ उनका दिमाग होता था, या सुपरमैन अगर आप देखेंगे उनके पास सुपर पावर होती थी और वो अच्छे अच्छे सारे काम करते थे। पर जो अब ये लास्ट वाले कैरेक्टर जो मैं सन 2000 के बाद के कह रहा हूँ, वो सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसमें कि बच्चों को शिक्षा तो कम मिल रही है पर उनको ऐसी चीज़ें ज़्यादा बताई जा रही है जिससे कि वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित हों। उनको इन कार्टून्स को देख के लगता है कि उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जानी चाहिए, उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है, पर रियलिटी में जब वो सारी चीज़ें फील करते हैं, जब एक्चुअली ग्राउंड पे आते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें नहीं हो रही होती और वो बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं। जैसे कि हमारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट कॉलेज पास आउट कर लेते हैं, उनको लगता है कि भैया अब तो बहुत एक फ़तेह हासिल कर ली है और अब तो हम बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने लग जाएगी, एक 5-स्टार होटल में जॉब लग जाएगी, हम लोग सेलिब्रिटी बन जाएंगे और लाखों करोड़ रुपए कमा लेंगे, या हम कोई अपना एक रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन खोल लेंगे। पर एक्चुअल में जब वो नज़र आते हैं कि भाई अब क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो एक ट्रेनिंग करने के लिए 5-स्टार होटल नहीं मिल रहा है, यहाँ तो जो हमने उससे पहले सपने देखे थे या जो सपने हमने बचपन में देखे थे कि नोबिता जो सोच रहा है उसका पूरे हो जा रहा है, डोरेमोन उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे रहा है, वो तो हो ही नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। वहीं अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर हम लोग अपने टाइम की बात करें, हम लोग इतना सोचते ही नहीं थे, हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें आती नहीं थी। सिंपली अगर हम लोग ट्रेनिंग्स करने जाते थे, जो हमसे बोला जाता था हम लोग वो करते थे, टीचर्स की बात मानते थे, पर अब सारा का सारा उल्टा है, क्योंकि हम लोग इतने सालों तक ऐसे कार्टून्स देख लेते हैं कि हमारे अंदर वो एक तरीके से समाहित हो जाते हैं और हम लोग सेम उनकी तरह बोलने लग जाते हैं, उनकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं। कार्टून देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर आप सब जो कि यंगस्टर हो, कॉमी 3 कॉमी 2 1 हो, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें देखिए जहाँ से आप लोग मोटिवेट हो सके, जहाँ से आप लोग सीख सके कि एक्चुअली में जो रियलिटी होती है वो क्या है, क्योंकि 18 साल के बाद आप लोगों के अंदर इतनी समझ जरूर आ जाती है कि आप चीज़ों को एक्चुअली में समझ पाएं। वही अगर मैं बात करूं कि भाई हम कार्टून से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, कार्टून से इसलिए ही कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी सुपरमैन बने अपने किचन के। जी हां, आप किचन के सुपरमैन बने, आप एक सक्सेसफुल शेफ बने, और सक्सेसफुल शेफ का मंत्रा मैंने आप लोगों को बता दिया, सिर्फ एक अच्छी पोजिशन हासिल करना नहीं है, आपको बाकी चीज़ों में भी आगे रहना है, चाहे आपके पास घर होना चाहिए, रहने के लिए अच्छा होना चाहिए, आपके पास सैलरीज अच्छी होनी चाहिए, और ये सब करने के लिए आपको अपना जो बेस है उसको मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आपने होटल मैनेजमेंट शुरू करा है या अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट करा है कॉमी 3 कॉमी 2 1 या किसी भी लेवल से। तो जब भी अगर आप इस समय इस स्टेज पे हैं तो अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, अपने हार्ड स्किल्स के साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स पे ही काम कीजिए। मेरी कई सारी बुक्स हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, जिसके कि कारण आप रियली में किचन के सुपरमैन बन पाओगे, और किचन के सुपरमैन बनने का मतलब एक सक्सेसफुल शेफ होना होता है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी कार्टून वाली वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और आप भी अब
किचन के सुपरमैन बनने के लिए उत्साहित होंगे, और उत्साहित होना बहुत ही अच्छी बात है, पर उत्साह में अपने आप को खोना नहीं है। आपको नोबिता या शिनचैन नहीं बनना है, आपको किचन का सुपरमैन बनना है। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स आप नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।